जो लोग बुज़ुर्ग हैं उनके लिए यह मोमेंटेबल योगा ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा कारगर है। वो बैठ करके भी कर सकते हैं, लेट करके भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम पाँव की योगी क्रिया, यानी कि जितने भी शरीर के जॉइंट्स हैं उन सबको गतिशील करना, उनमें जो भी टॉक्सिन जम जाते हैं उनको बाहर निकालना, इसे हम जोड़ की योगी क्रियाएँ भी कहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पाँव से अपने सीधे पाँव के अंगुलियों को ऊपर नीचे कीजिए, पंजे को ऊपर नीचे करें, दाएं बाएं घुमाएं, गोल घुमाएं, पंजों की गोल घुमाएं, एंटी क्लॉक, विश्राम। दूसरे पांव से करेंगे, अंगुलियों को ऊपर नीचे करें, पंजे को ऊपर नीचे करें, दाएं बाएं गोल घुमाएं, एंटी क्लॉक, विश्राम। अब हम घुटनों की योगी क्रिया करते हैं। घुटनों को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को सामने ले आइए, टू थ्री फोर फाइव, विश्राम। अब हम पांवों की योगी क्रिया करेंगे। पांवों को आगे ले आइए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अब पांव को पीछे ले जाना है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब पांव को सीधे हाथ की ओर, फिर पांव को उल्टे हाथ की ओर, विश्राम। जंघाओं की योगी क्रिया, धीरे धीरे पांव को ऊपर उठाइए, जितना ऊपर आराम से उठा सकते हैं ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे रख लीजिए, फिर उल्टा पांव ऊपर नीचे, सीधा पांव ऊपर। इससे हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं वो सब शक्तिशाली होंगे, वहां पर अगर किसी भी तरह की गंदगी है, टॉक्सिन है, वो सब बाहर निकलेंगे। और विश्राम। अब हम कमर की योगी क्रिया करते हैं। आगे झुकेंगे, पीछे झुकेंगे, आगे पीछे, आगे पीछे, विश्राम। कमर को राइट लेफ्ट घुमाइए, चेहरे पर मुस्कान, मुस्कुराते हुए आनंद लीजिए, विश्राम। अब हम हाथों की योगी क्रिया करेंगे। दोनों हाथों को सामने ले आइए, अंगुलियां खोल दीजिए, और अंगुलियों को खोलिए बंद कीजिए, खोलिए बंद कीजिए, विश्राम। अब हम अंगुलियों से भार खींचेंगे, ऐसे लगना चाहिए जैसे हम 10 किलो के भार को खींच रहे हैं, पूरी ताकत लगाएंगे सांस भरते हुए, फिर से, तीसरी बार, और ताकत लगाइए पूरी, विश्राम। कलाई की योगी क्रिया, कलाई को ऊपर नीचे कीजिए, मुट्ठी बांध के गोल घुमाएं, केवल कलाई को घुमाना है, हाथ सीधा रहेगा, एंटी क्लॉक दूसरी साइड से। कोहनी की क्रिया, वन टू वन टू वन टू, ये ऐसी क्रियाएं हम इसको कभी भी कर सकते हैं, बैठे हुए, लेटे हुए, खड़े होकर के, विश्राम। कंधों की योगी क्रिया, कंधों को गोल घुमाइए, एंटी क्लॉक, विश्राम। अब हाथों की, पांवों की, गर्दन की, सबकी एक साथ योगी क्रिया करेंगे, देख लीजिए, गहरा सांस भरते हुए,
विश्राम। अब पूरे हाथ की योगी क्रिया करेंगे, हाथों को घुमाइए, चप्पू चलाइए, एंटी क्लॉक। विश्राम। गर्दन की योगी क्रिया, धीरे धीरे सांस भरते हुए गर्दन ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब गर्दन को सीधे हाथ की ओर घुमाएं, उल्टे हाथ की ओर, सीधे हाथ की ओर, उल्टे हाथ की ओर। विश्राम। अब कान को कंधे से स्पर्श करेंगे, सीधे कान को सीधे कंधे से, उल्टे कान को उल्टे कंधे से। विश्राम। अब गर्दन की गोल घुमाई, जिन्हें चक्कर आते हो वो नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग बिल्कुल धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, वेरी स्लो। एंटी क्लॉक दूसरी साइड से। विश्राम। गर्दन की अगली क्रिया, अपने हाथ को चेहरे पर रख लीजिए। अब हम हाथ से उल्टी दिशा में दबाव देंगे और इससे सीधी दिशा में दबाव देंगे, एंटी दबाव देना है। शुरू करें सांस भरते हुए। विश्राम। फिर से एक बार विश्राम, इससे आपकी गर्दन मजबूत होगी। उल्टे हाथ से करेंगे, एंटी दबाव, एंटी प्रेशर, विपरीत दबाव। विश्राम। फिर गहरा सांस भरते हुए विश्राम। अब हाथ को सिर पर रख लीजिए, विपरीत दबाव देंगे, एंटी प्रेशर। शुरू करें विश्राम, दूसरी बार विश्राम। अब हाथ को पीछे रख लीजिए, सिर के पीछे। फिर से हम विपरीत दबाव देंगे, एंटी प्रेशर। शुरू करें विश्राम, फिर से दबाव विश्राम। कंधों को मजबूत करते हैं, दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाइए और सांस भरते हुए खींचिए। विश्राम। फिर से विश्राम, मुद्रा चेंज करें, खींचें। विश्राम। फिर से खींचिए विश्राम, नमस्कार मुद्रा, और गहरा सांस भरते हुए दबाव दीजिए। विश्राम। फिर से गहरा सांस भरते हुए विश्राम। अब हम पांचों इंद्रियों की योगी क्रियाएं करते हैं, और सबसे पहले है मुंह। दांतों की योगी क्रिया, दांतों को आपस में, इससे दांतों का दर्द दूर होगा, दांत मजबूत होंगे। विश्राम। अब दांतों को आपस में चिपका करके दबाव देना है और उसका असर गर्दन पर आएगा। विश्राम। अब मुंह में लड्डू भर लीजिए और लड्डू खाइए। कौन से लड्डू पसंद है आपको? अभी सर्दी का मौसम है तो खजूर के लड्डू खाते हैं। अच्छे से खाइए, 5-10 लड्डू टिका दीजिए साथ। विश्राम। नाक की योगी क्रिया, नाक पर हल्का सा दबाव दीजिए। नीचे की ओर विश्राम। अब नाक को बंद कीजिए, अंदर से सांस बाहर छोड़ेंगे। विश्राम। विश्राम। अब हम करते हैं कानों की योगी क्रिया, कानों को हल्के से नीचे से खींचिए, जैसे मास्टर जी बचपन में खींचते थे वैसे ही खींचिए। हमारे कानों में भी पूरे शरीर के एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं,
बीच में से, ऊपर से, अब हल्का सा दबाव दीजिए और ढीला छोड़िए। विश्राम। अब दोनों अंगुलियों से कान की मसाज कर लीजिए, एक अंगुली आगे एक अंगुली पीछे, ऊपर से। विश्राम। अब हम आंखों की योगी क्रिया करते हैं, आंखों से नीचे और ऊपर देखेंगे, केवल पुतलियों को घुमाना है। राइट लेफ्ट, पुतली की गोल घुमाएं, चारों तरफ देखें, एंटी क्लॉक। विश्राम। अब आंखों को बंद, आंखों को झपकाएंगे। अब आंखों को बंद करके आंखों को भींचेंगे अंदर। विश्राम। प्रथम दो अंगुलियों से आंखों की हल्के हल्के मसाज कर लीजिए। मेरी आंखें स्वस्थ हो रही है, मेरी आंखें सुंदर हो रही है। विश्राम। अब हथेलियों का हल्का सा घर्षण कीजिए और आंखों पर रखिए। फिर से घर्षण, आंखों पर रखिए, आंखों की मसाज। फिर से आंखों पर। विश्राम। आंखें स्वस्थ और सुंदर हो गई है। ये हमने छोटी छोटी योगी क्रियाएं की, इंद्रियों से जुड़ी हुई, शरीर के जॉइंट से जुड़ी हुई, जहाँ पर भी हमारे संधि स्थल है, ये सब हमने योगी क्रियाएं, ये आप बैठ करके, लेट करके, खड़े होकर के कभी भी कर सकते हैं। इससे हमारे शरीर के जॉइंट्स स्वस्थ रहते हैं, उनमें कभी दर्द नहीं होता है।